हेलो गाइस, कैसे हो। तो थोड़ी दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों कि अब जो इंडिया का पासपोर्ट है वो चेंज होने वाला है और उसमें चेंजिंग आने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत सारा इंडियन पासपोर्ट को फ्रॉड बनाकर आदमी लोग डुप्लीकेट, या आपको मालूम है कि आए दिनों ऐसा सुना होगा आप लोग के किसी के पास दो पासपोर्ट हो गया, तीन पासपोर्ट हो गया, या फ्रॉड से दूसरे कंट्री वाले लोग बना लिया है पासपोर्ट। तो ये सब देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में ही ये लॉ लाया था कि अब जो भी पासपोर्ट बनेगा दोस्तों ये चिप्स वाला बनेगा, मतलब जैसे हम लोग का सिम में चिप्स होता है उसी तरह बनेगा। तो भाई लोग ने सवाल करके पूछा था कि भाई जो पुराना पासपोर्ट है उसका क्या होगा, और पुराने पासपोर्ट को मतलब क्यों वैसा ही चिप्स वाला बनाया जाएगा, तो उसमें पहले का डॉक्यूमेंट वो लगेगा कि नहीं। तो प्रॉपर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे है, क्या है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि 2021 में ही चेंज होने वाला था ये पासपोर्ट का जो भी रूल आया था, बट ये कोविड ज़्यादा हो जाने की वजह से वो चीज़ बंद कर दिया गया। और 2022 में भी स्टार्टिंग में ही ये होने वाला था, बट अभी इलेक्शन पांचों राज्य का था इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कदम नहीं उठाया, बट अभी ये स्टार्ट होने वाला है 2022 में, ये पूरी तरह कंप्लीट करना है इन लोग का, जो भी इंडियन गवर्नमेंट का ये जो ये है कि इसी तरह से मतलब ये जो भी अभी पासपोर्ट बनेगा वो चिप्स वाला बनेगा, मगर पुराने पासपोर्ट का क्या होगा तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यार ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा सवाल आ जाता है भाइयों का तो मैं सोचता हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊँ कि हाँ जो भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि खुद मैं दुबई में ऑलरेडी वर्कर हूं दोस्तों और 12 साल से जॉब कर रहा हूं, और जो भी बोलने में मिस्टेक होगा दोस्तों मैं प्रोफेशनल मतलब वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं दोस्तों, तो बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आपसे माफ़ी चाहता हूं। और जो भी छूट गया सवाल दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। लेकिन चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो और सीधा कमेंट कर देते हो, तो जब तक नहीं आप कोड डालोगे तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो में क्या बताया हूं आपको शायद नहीं पता चलेगा और आप लोग सीधा कमेंट कर देते हो, तो इसीलिए आप लोग कमेंट करो दोस्तों कोड के साथ। और कंपनी से रिलेटेड जो भी सवाल है दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पे 50% दुबई में सप्लाई कंपनी है और मेरे वर्कर भाई सप्लाई कंपनी में कितना बुरी तरह फंस जाते हैं, जो लोग फंसे उन लोगों को मालूम है। तो चलिए शुरू करता हूँ और बताता हूँ पासपोर्ट के बारे में। तो जैसा बताया दोस्तों कि आपको हर जो बड़े बड़े कंट्री है उसका जो भी अभी पासपोर्ट बनता है वो चिप्स वाला, जो आगे में एक चिप्स लगा रहता है, तो उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों चिप्स वाला पासपोर्ट बनाने का सिस्टम चालू कर रहा है, और ये चालू होने वाला है मतलब अप्रैल से लगभग चालू हो जाएगा। तो नया जो भी है वो तो बिल्कुल चिप्स वाला बनेगा, बट पुराने का क्या, लोग पूछ रहे थे कि पुराने पासपोर्ट क्या या पुराने वाला डॉक्यूमेंट लोग खोजेंगे, तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है दोस्तों कि पुराने वाले पासपोर्ट पर भी चिप्स लगेगा, क्योंकि मान लिया आज मेरा 10 साल का ज़्यादातर रिन्यूअल होता है, आज मैं पासपोर्ट रिन्यूअल कराया तो 10 साल वही बगैर चिप्स वाला चलेगा, क्योंकि चिप्स वाला बनाने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हो तो पासपोर्ट आपने देखा होगा पासपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर या और बहुत सारा एयरपोर्ट पर, कि पासपोर्ट लेकर उसका डिटेल अंदर डालते हैं कंप्यूटर में फिर डिटेल आता है, मगर जब चिप्स वाला बन जाएगा दोस्तों तो किसी आदमी को जरूरत नहीं है, सीधा स्कैन करेगा पासपोर्ट के, सीधा ऐसा रखेगा मतलब टच करेगा और आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, तो उसमें ना मैन पावर की जरूरत होगी और ना कोई फ्रॉड होगा, या फिर दूसरा पासपोर्ट भी नहीं कोई जल्दी बना लेगा नकली पासपोर्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने यह चीज़ कदम उठाया है, तो यह बहुत अच्छा चीज़ है। तो पुराने पासपोर्ट वाले लोग को अभी तो कोई बताया नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं ये बताया था कि अगर मान ले कभी ऐसा नौबत आए तो जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है वो लोग ज़रूर खोजेंगे, उसका जीरोक्स कॉपी या फिर पहले वाला डॉक्यूमेंट अगर खोजेंगे तो आप लोग संभाल के रखो, बाइलक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ जो डॉक्यूमेंट से आपने पासपोर्ट बनाया था वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, आपको फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए आप अभी से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसे लोग हैं, मैं भी ऐसे जब पासपोर्ट बनाया था तो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है तो नहीं मिल रहा था, बट मैंने भी खोज कर रखा है दोस्तों कि शायद ऐसा रूल आ जाए कि हाँ वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो पुराने पासपोर्ट आपने बनाया है, तो फिर उस टाइम आप कहाँ खोजने जाओगे, इसलिए पहले से तैयारी कर दे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों कि कोई मुसीबत आने से पहले हम लोग अपना सिस्टम को तैयार रखें, ताकि हम लोग को उस टाइम कोई जल्दीबाजी में कोई गलत कदम ना उठाना पड़े, इसलिए आप लोग से यही ये है। और लोग पूछ रहे थे कि पुराने पासपोर्ट का क्या होगा भाई थोड़ा बताओ,
तो अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है दोस्तों। बाइलेक अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, बट आप लोग यही है कि आप लोग अपना पुराना डॉक्यूमेंट अगर है तो आप लोग ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि वो लोग कभी भी खोज सकता है। तो इस तरह का है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जो भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में आप लिखो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। जब तक गुड बाय।